धनबाद नगर निगम की ओर से आज एक निजी होटल में पॉलिथीन जागरूक अभियान का आयोजन किया गया। इस जागरूकता अभियान में नगर निगम के अधिकारी और शहर के सभी होटल के मालिक शामिल हुए। गौरतलब है कि 1 तारीख से पूर्ण रूप से पॉलिथीन बंद करने का ऐलान किया गया है। इसी को लेकर पॉलिथीन बंद कैसे किया जाए, इसके लिए चर्चा किया गया। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि हम लोग आज होटल व्यवसाय जुड़े व्यापारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उन लोगों को बताया जा रहा है कि 1 जुलाई से पॉलिथीन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आप लोग अपने क्षेत्र में चर्चा करें और लोगों को जागरूक करें कि पॉलिथीन का यूज़ ना करें। उन्होंने बताया कि अभी हम लोग को जागरूक कर रहे हैं और पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। होटल में आज हम लोगों ने कार्यशाला का आयोजन किया है। इसमें विभिन्न होटलों के व्यवसायियों को हम लोगों ने यहाँ पे बुलाया है ताकि उनको ये जानकारी देके हम लोग ये बता सके कि 1 जुलाई से जो सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध है वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इसका उपयोग पूरी तरह से जो है ना प्रतिबंध रहेगा। तो आप लोग भी इसका उपयोग नहीं करेंगे, अपने अपने तरीके से आम जनता को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि अब ये 1 जुलाई से पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो गया है। फाइन इसके लिए शुरू में प्रारंभ में 500 रुपये का प्रावधान है, लेकिन अभी हम लोगों की यह कोशिश होगी कि मतलब माइकिंग के माध्यम से या फिर अखबार के माध्यम से लोगों को जागरूक करें, और जितना ज़्यादा हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे उतना ही ये हमारे लिए भी और आम जनता के लिए भी फायदेमंद रहेगा। कई बार नियम की तरफ से जो प्रयास किया गया है तो उस पर रोक लगेगी, लेकिन सर सफलता नहीं आ सकती। 1 जुलाई के बाद इस पर हम लोग सफलता मिलेगी, हम लोग कोशिश करेंगे। अभी हम लोगों की माइकिंग चल रही है, हम लोगों ने पेपर में भी इसकी एड दिए हुए हैं और उम्मीद है कि 1 जुलाई के बाद इसका मतलब सकारात्मक परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बावजूद भी अगर मान लीजिए मार्केट में क्या कुछ इसके लिए बजाते हम लोगों ने टीम बनाई हुई है, टीम हमारी रेगुलर जो है ना मॉनिटरिंग करेगी। अगर जहाँ भी इस तरह के मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक हमें मिलेगी तो निश्चित रूप से उस पर हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे।